गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट में लेसन 5 जर्नल में लेखा करने के नियम मींस रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग यानी जर्नल में लेखा करने के नियम। यानी इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि जर्नल में लेखा करने के क्या क्या नियम है या किन नियमों के आधार पर जर्नल में लेखा किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय में जब भी कोई भी लेन देन होता है तो उसमें कम से कम दो पक्ष या दो खाते प्रभावित होते हैं। यदि उसमें से एक खाते को डेबिट किया जाता है तो किसी दूसरे खाते को अवश्य क्रेडिट किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उन खातों का संबंध किससे है, तो इसके जवाब में यही आता है कि या तो उसका संबंध पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते से होगा, या उसका संबंध रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते से होगा, या उसका संबंध नॉमिनल अकाउंट यानी नाममात्र खाते से होगा। अब पुनः प्रश्न उठता है कि व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते और नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाते क्या होते हैं। तो आइए अब इन तीनों खातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते की। व्यक्तिगत खाते का संबंध किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, कंपनी, निगम आदि से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत खाते का संबंध किसी भी फर्म, कंपनी, निगम या व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, बीमा कंपनी का खाता, फर्म का खाता, क्लब का खाता, आदि। मीन्स पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते का संबंध किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, कंपनी या निगम आदि से संबंधित होते हैं। जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, बीमा कंपनी का खाता, फर्म का खाता, क्लब का खाता, स्कूल का खाता आदि। अब व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, तो व्यक्तिगत खाते का रूल होता है कि पाने वाले का खाता डेबिट और देने वाले का खाता क्रेडिट यानी धन किया जाता है। मीन्स रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। यानी पाने वाले का खाता डेबिट किया जाता है और देने वाले का खाता धनी यानी क्रेडिट किया जाता है। यह है व्यक्तिगत खाते का नियम। अब आइए जो व्यक्तिगत खाते का नियम है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम ने मोहन को 500 रुपए दिए। राम ने मोहन को 500 रुपए दिए। अब इसमें आप देखें कि राम ने मोहन को 500 रुपए दिए, यानी इसमें देने वाला कौन है, राम। राम देने वाला है। और किसको दे रहा है, मोहन को, यानी मोहन पाने वाला है, ये पाने वाला। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत राम भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है और मोहन भी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि राम और मोहन दोनों
व्यक्ति विशेष से संबंधित है। तो जब राम और मोहन दोनों पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर इज डेबिटेड यानी पाने वाले का खाता डेबिट और गिवर इज क्रेडिटेड यानी देने वाले का खाता क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें जब राम देने वाला है और मोहन पाने वाला है तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, तो पाने वाले के खाते को डेबिट किया जाता है। तो इसमें कौन पा रहा है, मोहन पा रहा है, इसलिए एंट्री हमारा हो जाएगा मोहन डेबिट और देने वाला कौन है, देने वाला राम है, तो देने वाले के खाते क्रेडिट होते हैं इसलिए टू राम। अमाउंट क्या है 500, यानी राम देने वाला है तो देने वाले के खाते क्रेडिट होते हैं इसलिए राम का खाता क्रेडिट हो गया और पाने वाला मोहन है तो पाने वाले के खाते डेबिट होते हैं इसलिए मोहन का खाता डेबिट हो गया। यही हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। वास्तविक खाते क्या है, तो रियल अकाउंट ये किसी भी वस्तु या संपत्ति के खाते से ये रिलेटेड होते हैं, वस्तु या माल या संपत्ति या अधिकारों से ये संबंधित होते हैं। जैसे भवन खाता, जैसे भवन, मशीन, रोकड़, मां आदि, यानी रियल अकाउंट किसी भी वस्तु माल या संपत्ति या अधिकारों से ये संबंधित होते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत रूल होता है कि प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट किया जाता है और जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते क्रेडिट किए जाते हैं। यानी पाने वाली वस्तु या आने वाली वस्तु, प्राप्त हुई या आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट और जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते क्रेडिट, यानी डेबिटेड द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट करोड़ यही है कि प्राप्त हुई या आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट और जाने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्नीचर 1000 रुपये का खरीदा, फर्नीचर 1000 रुपये का खरीदा। अब यहां पर हम देखें कि फर्नीचर आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि रियल अकाउंट आपका माल वस्तु या संपत्ति या अधिकार से रिलेटेड होते हैं। तो फर्नीचर हमारा क्या है, संपत्ति है, इसलिए फर्नीचर आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और 1000 रुपये देकर के फर्नीचर खरीदा जाए तो 1000 रुपया क्या है, ये रोकड़, रोकड़ में क्या है आपका संपत्ति है, ये भी आपका रियल अकाउंट से ही रिलेटेड है। यानी दोनों आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि आने वाली या प्राप्त हुई वस्तु के खाते को डेबिट किया जाता है और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जब फर्नीचर आपने 1000 रुपये से खरीदा है तो जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आपके पास यानी आपके व्यवसाय में आएगा। तो फर्नीचर आएगा तो आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा यानी आपके व्यवसाय में आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 1000 रुपया आप दे करके खरीद रहे हैं
यानी जब 1,000,000 आप दे दें तो आपके पास से पैसा क्या होगा जाए, और जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं, तो पैसा जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट क्या हो जाएगा कैश। तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पैसा दे करके खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते क्रेडिट होते हैं इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा टू कैश अमाउंट 1,000। यही हमारा रियल अकाउंट। फिर इसके बाद अगला अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम का खाते। ये खाते वास्तव में खाते नहीं होते हैं, केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इनको नाममात्र के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, नॉमिनल अकाउंट केवल आय व्यय लाभ और हानि से संबंधित होते हैं, आय लाभ व्यय और हानि से संबंधित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि व्यय व हानि के खाते डेबिट किए जाते हैं और आय व लाभ के खाते क्रेडिट किए जाते हैं। व्यय व हानि के खाते डेबिट, यानी डेबिट द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेज, और आय तथा लाभ के खाते क्रेडिट किए जाते हैं, तो क्रेडिट द अकाउंट ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट, यानी व्यय व हानि के खाते डेबिट और आय तथा लाभ के खाते क्रेडिट। अब आइए इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम को ₹1,000 वेतन दिया, राम को ₹1,000 वेतन दिया। अब यहां पर आप देखें कि ये जो वेतन दिया गया है वेतन क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो वेतन आपका एक्सपेंस है, खर्चा है, तो वेतन आपका खर्चा है, तो एक्सपेंस यानी व्यय व हानि के खाते किससे रिलेटेड होते हैं, नाममात्र के खाते से। तो वेतन आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा, और वेतन के रूप में आप क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, रोकड़ दे रहे हैं, तो रोकड़ आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ₹1,000 वो रोकड़ है, वो आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो ₹1,000 यानी रोकड़ पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, और वेतन पर चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। तो वेतन दे देंगे तो वेतन आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या करता है, व्यय व हानि के खाते डेबिट। तो जब सैलरी देंगे तो सैलरी भी एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी का खाता क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी के लिए आप पैसा देंगे तो पैसा यानी रोकड़ को रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब पैसा देंगे तो पैसा आपके पास से जाएगा। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत जाने वाली वस्तु संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा तो कैसे अमाउंट 1,000, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि व्यय व हानि के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए सैलरी आपका क्या है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट। और सैलरी के लिए आप पैसा देंगे तो पैसा आपके पास से जाएगा, पैसा आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और रियल अकाउंट के अंतर्गत जाने वाले वस्तु संपत्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड कैश। यही हमारा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं तीनों खाते के आधार पर ही जनरल में लिखा गया है, इसलिए
इन खातों को याद रखना और इन खातों के नियम को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि इन खातों को हम ध्यान में रखते हैं और इनका रूल हमें पता है तो जनरल में लेखा करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए प्रिय छात्रों, आप लोग इस खातों को ध्यान से पढ़ें और समझें कि किस खाते का संबंध किससे है और उस खाते का रूल।